जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो क्या अनाउंसमेंट किया गया है और क्या ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, कंप्लीट जानकारी हम आपको यहाँ पे टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ मुख्य समाचार बड़ी खबरों के तहत हम यहाँ पे आपको देने वाले हैं। तो चलिए बात करेंगे उस ब्रेकिंग न्यूज़ की, उस अनाउंसमेंट की, जो यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है दोस्तों। तो देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री जी ने दोस्तों घोषणा बड़ी बड़ी योजनाओं की है, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपके आधार कार्ड पे, सिर्फ आप आधार कार्ड पर दोस्तों 2 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। तो कैसे आप ये प्रोसेस करेंगे, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और कहाँ पे आपको आवेदन करना है, क्या फॉर्म भरना है दोस्तों, कंप्लीट जानकारी हम यहाँ पे देने वाले हैं। और देखिए, सेकंड जो यहाँ पे योजना है वो है दोस्तों किसान कर्ज माफी से रिलेटेड। तो कैसे किसान भाई अपना कर्ज माफ कराएंगे, जिनका कर्ज अभी तक माफ नहीं हुआ है, और जिनका कर्ज माफ हो गया है उनके लिए तो यहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं दोस्तों। जिनका कर्ज माफ हो गया है उनके लिए इसमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिन भाइयों को क्या है कि कर्ज माफ नहीं हुआ है, किसान भाइयों को, वो यहां से जानकारी लेके अपना कर्ज माफ करा सकते हैं। अब देखिए, बात करेंगे अगली बड़ी अपडेट की, जो आपके लिए अगली अपडेट निकल के आ रही है। तो देखिए, वो है बेरोजगारी भत्ता। तो दोस्तों, किनको यहां पे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, कंप्लीट जानकारी हम यहां पे आपको देने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि आधार कार्ड पे दोस्तों कैसे आप 10 लाख रुपए ले सकते हैं। तो देखिए, यहां पे सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहां आपके पास आधार कार्ड ही होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, आधार कार्ड के साथ आपके पास देखिए राशन कार्ड होना चाहिए। अब देखिए, ये दो डॉक्यूमेंट होने के बाद आपके पास दोस्तों आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो इनकम सर्टिफिकेट आपका 3 लाख रुपए तक मान्य होगा। उससे अधिक होगा तो आपके यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन अधिक होने पर भी आप ये 10 लाख रुपए ले सकते हैं। बता दें दोस्तों आपकी जानकारी के लिए कि यहां पर इन जो 10 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं, इन पे किसी भी तरह का कोई भी ब्याज नहीं होगा। ये बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री है दोस्तों, इन पे कोई भी आपसे ब्याज नहीं वसूला जाएगा। और आपको दोस्तों 5 साल के अंदर, आने वाले 5 सालों के अंदर, ये पैसा आपको बैंक में वापस जमा करना पड़ेगा। अब देखिए, डॉक्यूमेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया है, आधार कार्ड, राशन कार्ड और दोस्तों आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र, ये तीनों डॉक्यूमेंट होने के बाद आपका किसी भी सरकारी बैंक में दोस्तों खाता होना चाहिए। सरकारी बैंक में खाता ही यहाँ पर मान्य होगा। जी हाँ दोस्तों, सरकारी बैंक का खाता ही यहाँ पे मान्य होगा, ठीक है। वैसा जो प्राइवेट खाते होते हैं वो यहाँ पे नहीं चलेंगे। और दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उसका एक प्रारूप बनवा लेना है। यदि आप नहीं बना सकते तो किसी वकील, लॉयर के द्वारा बनवा सकते हो। जैसे क्या बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, किसने मशीनरी होंगे, क्या लोकेशन होंगे, ये पूरी डिटेल्स उसमें लिखी होनी चाहिए। अब दोस्तों, ये पूरी फाइल्स और डॉक्यूमेंट लेने के बाद आप जो अपने नजदीकी सरकारी बैंक में जा सकते हो, और वहां पर प्रधानमंत्री क्रेडिट योजना जो चल रही है उसके अंतर्गत आप यहां पर 10 लाख रुपए तक का दोस्तों लाभ ले सकते हो। अब देखिए, मैं एक बात यहां पर आज आपको सरप्राइजली बताना चाहता हूं। देखिए, केंद्र सरकार ने एक नई योजना लॉन्च की है, जिसमें आप 25 करोड़, 2 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक का, दोस्तों ये जो बड़े उद्यमी होते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, या किसी के पास स्ट्रॉन्ग प्लान है दोस्तों कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का, तो उनके लिए मैं आप बात कर रहा हूं। देखिए, यहां पे 2 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक लोन दे रही है सरकार, उस पर लेकिन क्या है कि ब्याज होता है। अब आपको यह बात एकदम फेक लग रही होगी, ठीक है, लेकिन ये बात दोस्तों ट्रू है। कल हम आपको इसी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे और हम यहाँ पे लाइव जो लेक्चर आपको सुनवाएंगे, जो योजना यहाँ पे अनाउंस की है। तो दोस्तों, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेने के बाद आप अपने सरकारी बैंक में जाइए और वहाँ पे प्रधानमंत्री क्रेडिट योजना के तहत आवेदन करिए। और दोस्तों, यदि वो आपको कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं कि स्टाफ नहीं है हमारे पास, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आपको वहाँ सिर्फ एक छोटी सी बात बोलनी है, जिससे कि आपका काम उनको करना ही पड़ेगा। आपको वहाँ दोस्तों बोलना है कि यदि आप हमारा लोन सेंक्शन नहीं कर सकते, आप हमारा लोन पास नहीं कर सकते, आप हमको लोन नहीं दे सकते, तो हमको किसी भी दोस्तों किसी भी यहां कागज पे आप हमें लिख के दे दीजिए। आपको बैंक में जाके बोलना है कि आप हमें किसी भी कागज पे आप अपना मोहर साइन लगा के लिख के दे दीजिए कि हम आपका लोन नहीं कर सकते। ये बात सुनने के बाद दोस्तों बैंक वालों को आपको लोन देना ही पड़ेगा और आपके जो है कागज वहां पे उनको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। और दोस्तों, 1-2 हफ्ते के अंदर आपका ये लोन पास होके आ जाएगा और आप यहां पे कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
देन देखिए उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो किसान कर्ज माफी चल रही है दोस्तों। अब देखिए किन किसान भाइयों का कर्जा माफ हुआ है, किन का कर्जा माफ नहीं हुआ है, कैसे आप अपना कर्जा माफ कराएंगे, कंप्लीट जानकारी हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है हमारे किसान भाइयों को, यदि उनको अपना कर्जा माफ कराना है तो। अब देखिए दोस्तों कैसे आप यहाँ पे कर्जा माफ कराओगे, तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो होना चाहिए वो आपके खेत की, आपकी जमीन की खतौनी होनी चाहिए। उस खतौनी में दोस्तों कंप्लीट डिटेल्स होती हैं, कितनी आपके पास जमीन है, कितना आपके पास कर्जा है, ये कंप्लीट डिटेल्स उस खतौनी में होती हैं। तो दोस्तों ये खतौनी के बाद आपके पास देखिए आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास में यहाँ पे देखिए राशन कार्ड होना चाहिए। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको एक सिंपल से डॉक्यूमेंट जो आय प्रमाण पत्र है जिसके बारे में मैंने पहले बताया उसकी यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, ये सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पे जाकर जाना है और वहां पे दोस्तों किसान कर्ज माफी जो योजना चल रही है वहां पे जाके उसमें आपको आवेदन कर देना है। अब देखिए चाहे आपको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, चाहे आपको ये कर्ज माफ कराना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने राज्य और अपने जिले का नाम हमें दोस्तों जरूर दें जिससे कि हम आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिलवा सकें और आप इस योजना का लाभ ले सकें। अब देखिए ये नाम कमेंट बॉक्स में देने के बाद आपको क्या करना है, हमको ये परमिशन देनी है कि हम आपकी लिस्ट को आगे बढ़ा दें और आपको यहाँ लाभ मिल जाए। दोस्तों आपकी परमिशन के लिए, यदि आपको योजना पसंद है, लाभ लेना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक करने से क्या होगा हमें परमिशन मिल जाएगी और दोस्तों हम आपकी लिस्ट को आगे बढ़ा देंगे। तो लाइक जरूर करिएगा यदि आपको इस योजना में लाभ लेना है तो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने राज्य, अपने शहर का नाम हमें जरूर दीजिएगा। अब देखिए बात करेंगे जो थर्ड यानी तीसरी योजना चल रही है दोस्तों, और तीसरी योजना चल रही है आपकी बेरोजगारी भत्ता। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि काफी लोग दोस्तों हमारे भारत देश के अंदर काफी ज्यादा बेरोजगारी है और बेरोजगार लोगों के लिए यहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स हो गई हैं जीवन यापन करने की, क्योंकि उन्होंने दोस्तों ऑलरेडी पढ़ाई लिखाई में काफी सारा खर्चा किया हुआ है फिर भी उनके देखिए यहाँ पे दिनचर्या नहीं चल पा रही है ढंग से। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री ने उसी बात को ध्यान में रखते हुए बेरोजगारी भत्ता जो प्लान है, बेरोजगारी भत्ता जो योजना है, जो स्कीम है, वो यहाँ पे लॉन्च की है। अब देखिए ये जो बेरोजगारी भत्ता है उसमें लाभ लेने के लिए आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, यदि आपकी कम है तो भी आप अभी आवेदन कर दीजिए, जैसे आपकी 18 साल हो जाएगी आपको यहाँ पे मिल जाएगा फायदा। और देखिए ज्यादा से ज्यादा उम्र आपकी यहाँ पे 50 वर्ष होनी चाहिए, 18 से लेकर 50 वर्ष वालों को यहाँ बेरोजगारी भत्ता मिलेगा दोस्तों। चाहे आपने 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री, डिप्लोमा जो भी आपके पास है दोस्तों यहाँ पे सभी को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, बशर्ते उसकी उम्र जो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। इसमें आवेदन करने के लिए सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको अपना नाम देना है, अपने राज्य, अपने शहर का नाम देना है दोस्तों, जिससे कि आपको बेरोजगारी भत्ता में लाभ मिल सके। और ये नाम देने के बाद आपको क्या करना है, आपको दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमें ये परमिशन देनी है जिससे कि दोस्तों हम आपकी लिस्ट को आगे बढ़ा सकें और यहाँ बेरोजगारी भत्ता में आपको जो लाभ दिलवा सकें। और देखिए यहाँ पे यदि आप सीएससी सेंटर पे जाके आवेदन करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जाके आप आवेदन कर सकते हो, सीएससी सेंटर पे कंप्लीट जानकारी इसकी आपको मिल जाएगी। जैसा कि हमने बताया है दोस्तों इसी टाइप से आपको आवेदन कर देना है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब देखिए प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी योजनाएं चला रखी हैं लेकिन यदि आप आवेदन नहीं करोगे तो आपको यहाँ योजना में लाभ नहीं मिल पाएगा। काफ़ी लोग दोस्तों इसी वजह से वंचित रह जाते हैं कि वह आवेदन नहीं करते और यदि आवेदन नहीं करेंगे तो उन लोगों को यहाँ पे लाभ नहीं मिलेगा। अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है उसके तहत आपको यहाँ सीधे 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं जिनके पास आवास नहीं है उनके लिए। प्रधानमंत्री ने अपने पिछले कार्यकाल में दोस्तों 5 वर्ष का जो इनका पिछला कार्यकाल है 11 करोड़ मकान दिए थे दोस्तों, लेकिन 11 करोड़ मकान देने के बाद भी काफ़ी लोग यहाँ बेघर रह गए हैं। और देखिए यहाँ पे 9 करोड़ दोस्तों सिलेंडर बांटे थे, तो यहाँ 9 करोड़ सिलेंडर बांटने पर भी काफ़ी लोगों को यहाँ गैस कनेक्शन नहीं मिले। तो जिनको गैस कनेक्शन नहीं मिले नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, जिनको मकान नहीं मिले नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। और देखिए यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता में जो भी लाभ लेना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, उनको हम आगे फॉरवर्ड करेंगे जिससे कि आपकी सुनवाई हो सके दोस्तों, आपको योजना में लाभ मिल सके। यदि आपको अभी तक किसी भी योजना में लाभ नहीं मिला है तो आपके यहाँ सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, सबसे पहले दोस्तों योजना में लाभ दिया जाएगा। तो देखिए सिंपल सी चीजें हैं, नीचे कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जा रहा, कोई डाटा, कोई बैलेंस कुछ भी नहीं जाता है, और वीडियो को लाइक करने में आपका डाटा बैलेंस कुछ भी नहीं जाता है, ये बिल्कुल फ्री कर रखे हैं दोस्तों यहाँ पे, जनहित में पूरी जानकारी जारी की जा रही है। तो यदि आपको इन योजना में लाभ चाहिए तो हमें जरूर बताइए दोस्तों, और जैसे हमने बताया है वैसे जाके आप सीएससी सेंटर पे या बैंक में जाके जो भी योजनाएं हैं उसी टाइप से आपको आवेदन कर देना है जिस तरह से हमने बताया है। अब देखिए यहाँ पे काफी लड़कियों को फ्री स्कूटी मिल चुकी है, यदि आपको अभी तक फ्री स्कूटी नहीं मिली, आपकी बहन को, आपकी बेटी को या आपके घर में किसी भी लेडीज को, तो फ्री स्कूटी लेने के लिए भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम
नाम बताएं, अपने राज्य अपने जिले का नाम हमें दोस्तों जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके परमिशन दें। यदि आप योजना में लाभ लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आपके नाम आपका नाम जो है लिस्टेड करके आगे बढ़ाएंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।